हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया स्वाद करते हैं और नए ब्रांड वीडियो। तो भाई आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए लेकर आया हूं WCC3 का बॉलिंग ट्रिक, जो कि हमारा वर्जन 1.2.1 का। और इस वीडियो में मैं आपको हार्ड कोड मोड डिफिकल्टी की भाई हार्ड नहीं, मतलब ईजी से ईजी रख के बताओ, क्योंकि हार्ड में भाई वो ट्रिक वर्क नहीं करेगी आपको। तो हार्ड में आपको बहुत ज़्यादा बल्लेबाज सब पिटाई कर देंगे आप लोगों की। तो यहाँ पे ईजी मोड में आपको रखना है नंबर वन पे। तो चलिए आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं इसी बारे में। तो वीडियो को दबा के लाइक कर दीजिएगा, लाइक हम रखते हैं भाई 30 लाइक, प्लीज़ यार पूरा कर देना। और चैनल को ना भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आए हुए नोटिफिकेशन बेल को उसको कर दें ऑल पे क्लिक। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग इंट्रो देखिए और लाइक ठोकिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर चुके होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। तो फटाफट मैं आपको क्विक प्ले मैच में जाता हूं। यहां पे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच सेलेक्ट कर लेता हूं। 10 ओवर्स का मैं मैच सेलेक्ट कर रहा हूं, इजी मोड में कर रहा हूं। आप लोगों के सामने जो भी एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई भी फेक नहीं है। यहां पे मैं आपको मतलब बॉलिंग लेके आपके पास आके मिलता हूं फिर भाई। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बॉलर ले लेना है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, बल्लेबाज अगर राइट है तो आपको लेफ्ट साइड से बॉलिंग करना है। उसके बाद आपको फटाफट फील्डिंग पे ध्यान देना, और फील्डिंग जो कि जैसा मैं लगा रहा हूँ वैसा आपको लगाना है। यहाँ पे पहले ओपन फील्ड नंबर 3 को सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसमें कुछ मैनुअली चेंज करना है, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी तरीके का सब फील्डिंग सेटअप सिर्फ इसी तरीके का कर लगाना है, और यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करने। उसके बाद आपको सीधे करना है ओके पे, तो यहाँ पे हमारा फील्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उस पर स्पीड आपको मतलब ग्रीन पे रख सकते हैं नहीं रखना। ये स्विंग है, आपको स्विंग हम सीधा करना है, हम यॉर्कर की बॉल देनी है। यॉर्कर बॉल देने के बाद आपको इसी तरह बल्लेबाज वैसे ऐसा मैंने फीलिंग लगा के सेट करके रखा हूँ ना कि जिधर भी वो मारेगा तुरंत आपका उधर कैच हो जाएगा हाथ में। नहीं तो भाई परफेक्ट टाइमिंग हुआ तो भाई छेद लग सकते हैं, नहीं तो मारेगा सीधा लोफ्टेड मारेगा सीधा आउट ही होंगे भाई। जैसा कि अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा पहला विकेट ले कर, उसके बाद आपको ये इसका इस मतलब ट्रिक का क्रेडिट जाता है हमारे लेजेंड गेमिंग स्टार जी को, जो कि इन्होंने इस ट्रिक को मतलब यूज़ करके अपने चैनल पे अपलोड किया था। तो मैंने भी कहा कि भाई चलिए मैं भी अपलोड कर दूँ, थोड़ा अपने ऑडियंस को बता दूँ मैं भी। तो यहाँ पे अब हमें अभी एक भी विकेट नहीं मिला, तो चलिए मैं विकेट आपको लेकर दिखा दूँ। अभी पहला विकेट मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बल्लेबाज कैच उठा चुका है, हमारा लॉन्ग ऑन पे कैच हो चुका है, बहुत बढ़िया भाई साहब। देखिए आपको पहली गेंद पे मतलब जैसे मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप की तब तक तुरंत आपको यहाँ पे विकेट मेरे को मिल चुका है। देखिए यहाँ पे लोफ करके खेला है बल्लेबाज ने और सीधा 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 गया है एकदम फील्डर के हाथ में। और देख लीजिए आप लोग यहाँ पे वीडियो पीछे करके कि यॉर्कर लेंथ की बॉल पर मेरे को विकेट मिला हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फिर से बल्लेबाज ने दूसरी विकेट के लिए कैच उठाया और हम लोगों ने पकड़ लिया है। जी हाँ बिल्कुल सक्सेसफुली कैच हो चुका है, लेकिन हमें मिल चुकी है हमारी दूसरी विकेट। आप लोग देख लीजिए कि यॉर्कर लेंथ की बॉल मैंने फेंकी, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। और यहाँ पे बल्लेबाज ने लॉफ करके खेला, तुरंत सीधा गई है फील्डर के हाथों में, देख सकते हैं आप लोग। तो दूसरी विकेट मिल चुकी है, अब मैं आपको तीसरी विकेट लेकर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यार हमें फिर से एक और विकेट मिल चुकी है, हमारा तीसरा विकेट मिल चुका है। इसका मैं आपको रिप्ले दिखा रहा हूँ भाई। यार चहल ने बॉलिंग की और यहाँ पे सीधा यॉर्कर लेंथ की बॉल मैंने फेंकी है और सीधा पीछे की तरफ थर्ड मैन के साइड में विकेट मिल चुकी है हमें। और बहुत बढ़िया कैच हमारा फील्डर का बुमराह का, जो कि चलिए अब चलते हैं अपनी चौथी विकेट की तरफ। ये तीसरी विकेट थी, चौथी विकेट मिलने के बाद मैं आपको सॉरी यार। सो फ्रेंड्स हमें यहाँ अभी तक हमें 3 ही विकेट मिल पाई है, तो यहाँ पे इसके लिए भाई सॉरी, यहाँ पे ओवर्स हमारे कम पड़ गए हैं हमारे स्पिन बॉलर्स की, क्योंकि भाई ये स्पिन बॉलर्स के लिए ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फास्ट बॉलर में उतना विकेट नहीं मिल रहा। अभी देखिए मेरे जितने स्पिन बॉलर्स हैं सारे ख़त्म हो चुके हैं और अब मैं फास्ट बॉलर से 4-2 ओवर कराने वाला हूँ, लेकिन यार अभी तक हमें एक भी विकेट फास्ट बॉलर से एक भी विकेट नहीं मिले। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको ये ट्रिक मुझे होप कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा कि भाई किस प्रकार से आपको बॉलिंग कराते रहना और फील्डिंग सेटअप
भी आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो के पहले मैंने बताया हुआ है। तो आपको यॉर्कर्लिन की बॉल भी करानी हो, यहाँ पे देखिए बल्लेबाज यार शॉट खेल रहा है लेकिन लोफ्ट नहीं कर रहा है। लोफ्ट करता तो सीधा फील्डर के हाथ में जाता, और लेकिन स्पिनर्स में लोफ्ट ज़्यादा करते हैं बल्लेबाज, हमारा अपोनेंट बल्लेबाज। तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।